नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। ईमानदार हैं किरण बेदी, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने कहा। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शांति भूषण ने कहा कि दिल्ली की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी किसी भी मामले में अरविंद केजरीवाल से कम नहीं है। भूषण ने बेदी की सराहना करते हुए कहा कि किरण भी केजरीवाल से कम ईमानदार नहीं है। उन्होंने बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया है। भूषण का यह भी मानना है कि अगर किरण मुख्यमंत्री बनती हैं तो दिल्ली के लिए अच्छी बात होगी। मोदी और ओबामा 27 जनवरी को मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ रेडियो पर मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में मोदी ने कहा है कि इस महीने का मन की बात कार्यक्रम बेहद खास होगा, जहां मैं और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बराक ओबामा अपने विचारों को साझा करेंगे। एक अन्य ट्वीट में मोदी ने कहा है कि #AskObamaModi के जरिए इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिसमें भारत अमेरिका के विशेष संबंधों पर चर्चा होगी। सवाल 25 जनवरी तक पूछे जा सकते हैं। दस साल में 24% बढ़ी मुस्लिम आबादी। जनगणना के ताजा आंकड़ों में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिमों की जनसंख्या में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल तैयार जनसंख्या के नए आंकड़ों को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले 10 साल में 24% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, जिससे देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिमों की संख्या 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई है। सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि असम में दर्ज की गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 30.9% थी, जो कि 10 साल में बढ़कर 34.2% हो गई है।